अविनाश मिश्रा ने जेल के बाहर आते ही घर का एक बड़ा रूल जो है वो तोड़ दिया है। विवियन दी सेना क्या इन तीनों को बचा पाएंगे? मैं बात कर रही हूँ अविनाश, एलिस और ईशा की। अभी विवियन जो है इन चारों के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो शेयर करते हैं। इन चारों का बॉन्ड जो है वो बना ही हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो अविनाश है वो डेफिनेटली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं कर रहा है, जिसके कारण वीकेंड के वार पे उसकी जम के वाट लगने वाली है। और वीकेंड के वार के बाद जो है काफ़ी सारे कंटेस्टेंट को जो है एक रियलिटी चेक मिलता है, एक अलग नज़रिए से इस घर में रहने का एक और मकसद मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब से भी ये बिग बॉस स्टार्ट हुआ है और आज तक भी एक रूल रूल वैसे का वैसा है। एक तो आप हिंसा नहीं कर सकते हो, मारपीट नहीं कर सकते हो, और दूसरा आप नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा रूल है। जब भी ऐसी डिस्कशंस हुई हैं तब बिग बॉस ने जो है इसके ऊपर कड़े कदम उठाए हैं। पर अगर देखा जाए तो बिग बॉस 16 में प्रियंका के साथ जो उनके को पार्टनर थे उडारिया में, क्या आप लोगों को पता है कि उनका नाम क्या है? मुझे तो पता है, याद है, पर प्रियंका के साथ कौन था जिसको एक्चुअली में बोला जाता था कि ये दामाद है और दामाद को निकालना है? साजिद खान और भी बाकी सारे लोगों ने मिलके हाथ मिला के जो है उसको नॉमिनेट किया था, और उस वक्त बिग बॉस ने कोई भी कदम नहीं उठाया। पर अब जो है नॉमिनेशन की डिस्कशन कर ली इन्होंने, और जब एलिस के मुंह से पता चला विवियन को, तो विवियन ने बोल दिया कि भाई तू ये इधर उधर की बातें, शहजादा जो भी कर रहा है वो बता रहे थे, इधर उधर की बातें कर मत, पहले इस चीज़ को क्लियर कर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रूल है जो कि तुम लोगों ने तोड़ा है। इस चीज़ को भाई ख़त्म करो यहाँ पर, नहीं तो कुछ और चीज़ हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। तो एलिस भी जाके बोलती है अविनाश और ईशा को, तो उनका कहना ये है कि हमने थोड़ी ना स्पेसिफाई नाम लिया है, हमने तो ये बात बोला है कि एक्स वाई जेड, पर इन तीनों का सीधा सीधा इशारा जो है वो अरफीन की तरफ है। अरफीन को ये नॉमिनेट करने वाले हैं, ये चीज़ जो है इन्होंने खुद अपने शब्दों में जो है कहीं ना कहीं समझा दी है। तो बिग बॉस तो भाई बेवकूफ़ है नहीं, तो इन्होंने जो है ये एक बड़ा रूल तोड़ा है, पर अपना डिस्कशन जो है करके इस चीज़ को ऊपर पर्दा डाल रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है कि इसको किसने करना, इसको किसको करना है नॉमिनेट, इसको किसको करना है नॉमिनेट, हमें किसी को भी किसी के बारे में भी नहीं पता। अभी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बिग बॉस कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये बिग बॉस के ऊपर डिपेंड है, पर इनकी किस्मत एक अच्छी रही कि इन्होंने जो है फ्राइडे के दिन पे ये सब चीज़ें की है। तो यानी कि कल का जो एपिसोड, कल की जो बातें थी वो आज चैनल पे दिखाई जा रही है, उनके चलते हुए बात की है। तो आज फ्राइडे का कोई भी कंटेंट जो है वो बिग बॉस के कोई काम का नहीं है। तो बिग बॉस हो सकता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।